दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन संडे का और आज डेट है 26 नवंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:05 हो चुके हैं दिन के, और मैं आ गया हूँ द्वारका में। ओल्ड पालम रोड पे ड्रॉप किया था, तो वहीं से मैं गाड़ी के एक दो काम थे, मैं सोचा था गाड़ी के वो करवा लेता हूँ। एक्चुअली गाड़ी के पीछे के बल्ब जो है फ्यूज हो गए थे, ब्रेक लगाने पे ना लाइट के मतलब जल नहीं रहते टेल लाइट के, और सबसे ऊपर जो वैगनर में तीन चार बल्ब होते हैं वो भी एक साथ फ्यूज हो रखे थे काफी टाइम से, तो वो सारे के सारे चेंज करवा दिए। और गाड़ी का हॉर्न थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। हॉर्न क्या है कि कभी बज रहा है और कभी नहीं बजता, जैसे कंटिन्यू हम अगर बजाने की कोशिश करते हैं तो हॉर्न में दिक्कत आ रही थी मतलब। तो मैंने गया मारुति स्टोर में पूछा तो उसके बाद हॉर्न ही नहीं है, तो हॉर्न की दिक्कत मेरे को तीन चार महीने से चल रही है दोस्तों, तीन चार महीने से ऑर्डर मतलब लगवा रखा है। वैसे मैं सोचा था आज लोकल दुकान से लेता हूँ, तो वो किसी हैला कंपनी का बंदा दे रहा था, तो मैंने कहा चल, कह रहा ओरिजिनल ही है भैया, सेम ही है मतलब। मैंने चल भाई ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत हुई तो मैं इसको तो विंडो खुली हुई थी ना तो आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसको बोल दिया भाई कोई भी दिक्कत हुई तो मैं चेंज कर दूंगा, पैसे वापस दे दियो। तो 300 रुपये का हॉर्न था, लेकर मैंने खुद ही देखा लगा के पॉइंट, मैंने कहा पहले साउंड तो चेक करूँ, साउंड एकदम पतली आवाज़ बिल्कुल। तो मैंने कहा जो वैगनार में लगता है यार कम से कम वो तो मिले ओरिजिनल, तो ओरिजिनल चीज़ मिली नहीं, मैंने वापस कर दिया उसको। तो सिर्फ दो ही काम मतलब दो जो बल्ब हैं वो करवा के फिर मैं आया हूँ। अब अगले हफ्ते करवाऊँगा गाड़ी की सर्विस और अब जा रहा हूँ घर दोस्तों। और आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 6:15 निकल गया था घर से, तो जब मैप खोला था दबा के सर्च लगा हुआ था। एक्चुअली मैंने रात में एक बुकिंग ले ली थी अपॉर्चुनिटी में, आपका 532 रुपये ऐसे कुछ दिखा रहा था, और जाना था मोहन कोऑपरेटिव, तो बीच में सत्यनिकेतन पे एक स्टॉप था वो था, तो 5 बजे की थी सुबह की, तो उसमें फिर 40 मिनट पहले ऑनलाइन होना पड़ता है। अब रात में मैं सोया ऐसा कि सुबह आँख ही नहीं खुली दोस्तों, तो आँख नहीं खुली तो फिर वही आपको पता ही क्या होता है, फिर लेट खुली तो वो बुकिंग मतलब जा चुकी। तो दोस्तों बुकिंग जा चुकी थी और फिर आपको पता ही है मतलब, फिर वही है मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार अब निकल गई कोई दिक्कत नहीं है, अब काम तो करने जाना है, 2-4 घंटे के लिए निकलने हैं। तो जैसे ही लॉगिन होने के लिए देखा तो पूरा का पूरा मैप रेड हो रखा था। और बुकिंग तो देखिए, आपको अगर अच्छी बुकिंग पकड़नी है तो उसके लिए 3-4 बुकिंग आपको स्किप भी करनी पड़ती है, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने देखा ऊबर में धड़ाधड़ आ रही थी पर छोटी छोटी डिस्टेंस की आ रही थी, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था, तो एकदम से रडार में 4 बुकिंग आई 500 रुपये की, वो भी चली गई मेरे साथ, एक छतरपुर की थी एक यूपी साइड की, तो एकदम से फिर मेरे पास आई 582 रुपये की आपका अपोलो हॉस्पिटल की, तो वो बुकिंग मैंने तुरंत एक्सेप्ट करी। मैं कहा चलो यार सुबह 532 की छूट रही थी, काट पीट के उसमें 500 मिलते, इसमें 582 है, तो इसमें काट पीट के कम से कम 550 तो मिलेंगे, तो 554 रुपये मेरे को इस ट्रिप में मिल गए। तो उस ट्रिप से फिर 2-3 ट्रिपें दोस्तों और करी है, लास्ट का ड्रॉप मतलब यहीं द्वारका का ही मिल गया था, ना कोई लोकेशन लगाई ना कुछ किया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज मैं आपसे तो दोस्तों आज मैं आपको ओला उबर के बारे में बताऊंगा। देखिए काफी भाई चाहते हैं ओला उबर में काम करना और काफी कर रहे हैं, और काफी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें जो बुकिंग मिले वो सिर्फ बढ़िया बढ़िया रेटों में मिले, सर्ज में मिले। तो ऐसा कौन सा टाइम है जो मतलब जो कमाने का, जिसमें हम मतलब ज्यादा मतलब कम टाइम में अच्छा खासा पैसा कमा ले, और अभी क्या चल रहा है मतलब ऐसा कुछ है कि ओला उबर में? तो दोस्तों उनके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस ब्लॉग में दूंगा और बताऊंगा कि आज मतलब ओला उबर में बेस्ट टाइम अगर आपको काम करना है तो कब का है निकलने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओला उबर में काम कर रहे हैं ठीक है, और आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है, मतलब आप किसी भी टाइम निकल सकते हैं चाहे दिन हो रात हो, तो अभी दोस्तों एक्चुअली सीजन चल रहा है शादियों का, जैसे कि आपको पता है ठीक है। अब दिन में काम अगर आप देखोगे ना तो ओला उबर में, अगर आप सुबह की बुकिंग को लोगे सर्च में भी लोगे और शाम की बिना सर्च की बुकिंग लोगे, तो दोनों में दोस्तों रेटों का काफी अंतर है। बिना सर्च की बुकिंग में आपको सर्च वाला रेट मिलेगा ठीक है। अगर 20 किलोमीटर आप चल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं साउथ एक्स से मैंने बुकिंग ली थी द्वारका सेक्टर 11 की, दोस्तों उस ट्रिप में मेरे को 404 रुपये का फेयर दिखाया था, जिसमें मेरे को काट के 383 रुपये मेरे को कुछ मिल गए थे।
तो आप सोचो 22 किलोमीटर में 383 रुपये मिलना, इट मीन्स डबल ही हो गया। वैसे आप नॉर्मल रेट पे देखो, इसका कैलकुलेट करोगे 10 रुपये किलोमीटर पड़ता है, तो 10 रुपये किलोमीटर से 220 ही बनना है, तो वहाँ आपको 383 रुपये दिए जा रहे हैं। तो अगर आप देखिए, बेस्ट टाइम आपका ये है, अगर आप शाम के 4 बजे से अपना काम स्टार्ट करेंगे और रात के 12 बजे तक करेंगे दोस्तों, तो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 1500 से 2000 तक का काम निकाल सकते हो। जिस हिसाब से सीज़न चल रहा है, अभी शादियों का सीज़न कंटिन्यू रहेगा, नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आराम से शादियों का सीज़न रहेगा, और काम आपका कम टाइम में मतलब अच्छा खासा निकाल सकते हो। तो 4 बजे शाम के, आप अगर सुबह टाइम नहीं दे पाते या सुबह जल्दी निकलते हो और हताश हो जाते हो, काम नहीं आता, जाम बहुत मिलता है और उस जाम में हमें पैसे नहीं मिल पाते, तो इसमें क्या है कि देखिए, जाम तो आपको शाम को भी मिलेगा, ट्रैफिक शाम को भी मिलेगा, बट आपको रेट अच्छा खासा मिल जाएगा कम किलोमीटर में। तो कम किलोमीटर में कम किलोमीटर गाड़ी चलेगी, बट देखिए जाम में तो आपको फंसना है, बट इसका आपको रेट अच्छा खासा मिल जाएगा, तो आप कम टाइम में मतलब पैसा अच्छा निकाल सकते हैं। तो या तो आप ये भी कर सकते हैं, सुबह का पीक टाइम ले सकते हैं, तो उसके बाद घर चले जाएं, उसके बाद शाम का अपना 4 बजे से स्टार्ट कर लो, तो 2-4 घंटे का आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप अपने घर में स्पेंड कर लो, कुछ भी आपके काम है वो कर सकते हैं। तो कमाने के दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास टाइम है, ओला ओवर में बस ये फ्रीडम है कि आप अपने बॉस हो, आपको किसी को कुछ नहीं करना, आप जितने घंटे चलाओगे उतनी अर्निंग है, जितना कम चलाओगे उतनी कम अर्निंग है। तो इसमें तो यही है दोस्तों, मैं जैसे संडे को छुट्टी लेता हूँ, पर मैं 2-4 घंटे के लिए निकला, तो 2-4 घंटे में थोड़ा बहुत काम कर लिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं, पर फिर भी जितना मतलब थोड़ा बहुत काम था गाड़ी का तो उसका निकाल लिया, प्लस आज का अपना दिहाड़ी निकाल लिए, तो कितना काम हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट, मैं घर के पास आ गया, पहले गाड़ी पार्क कर दूँ। तो यहाँ पर मैं, पार्किंग का कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, पार्किंग मेरे यहाँ बहुत है, आराम से गाड़ी खड़ी हो जाती है। दिन में रोड पे लगा देता हूँ, और शाम के टाइम जब 10:30 के बाद दुकान बंद हो जाती है सामने ही, तो उस दुकान के नीचे लगा देता हूँ, क्योंकि वहां पर कैमरे लगे रहते हैं, कैमरे से गाड़ी सेफ रहती है। तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ दोस्तों, आज का मेरा काम कितना हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 1419 रुपये का मेरा आज का काम हुआ है, और सुबह निकला 6 बजे, अभी मतलब 11:15 मैंने छोड़ दिया था लास्ट, उसके बाद मैंने गाड़ी का काम कराया, गाड़ी का काम कराने के बाद यहाँ आ गया। तो CNG तकरीबन मेरी लग गई है 1400 रुपये के काम में, आप मान के चलिए 300 रुपये की CNG लगी है, तो 1100 रुपये बचे हैं, तो 1100 में आज कुछ नहीं काटूंगा दोस्तों, जो भी लगाया है गाड़ी में लगा दिया है, बल्ब आए थे करीब 150, 200 और 200, टोटल मतलब 220 रुपये तक का खर्चा मेरा आ गया है, तो 220 का खर्चा आ गया गाड़ी में, फिर भी मैंने मतलब आप राउंड फिगर लगा लीजिए 900 रुपये बच गए, तो 900 रुपये में आज ये लगा लीजिए अपना काम हो गया है, और आज खर्चा कुछ नहीं निकालूंगा, 300 रुपये जो निकालता हूँ, क्योंकि आज ज्यादा काम नहीं किया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हो ओला ओवर में कितना काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, किस टाइम निकले, कौन सा बेस्ट टाइम है निकलने का, बेस्ट गाड़ी कौन सी है ओला ओवर के लिए, ये सारी की सारी वीडियो मैंने बना रखी है दोस्तों, आप कीवर्ड्स भी सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। बाकी आपके कुछ भी क्वेश्चन है मेरे से रिलेटेड, मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए दोस्तों, कॉल प्लीज मत करिए, कॉल सिर्फ मैंने डिस्प्ले पे नंबर जो दे रखा है वो सिर्फ राइडर्स के लिए है, जो आउट सेशन जाना चाहते हैं उनके लिए बुकिंग्स के लिए नंबर दे रखा है, मेरे पास आपको सारी गाड़ी अवेलेबल मिलेगी, आपको छोटी से लेकर बड़ी तक गाड़ी अवेलेबल मिलेगी, आउट सेशन के लिए अगर आप कहीं भी प्लान कर रहे हैं तो आप वहां के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके ड्राइवर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दोस्तों, ओला ओवर से रिलेटेड है, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहां काफी भाई हैं जुड़े हुए, तो वो आपको अच्छी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मैं ड्राइव करता हूं तो इस वजह से नहीं उठा पाता कॉल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे, तब तक के लिए बाय बाय।